ओके हाय एवरीवन। सो आज का जो टॉपिक है ओएसआई मॉडल है, तो बहुत सारे लोगों को पढ़ा होगा सबने और कईयों को नहीं आता है, तो कोई बात नहीं। तो ओएसआई मॉडल क्या है, एक सेवन लेयर्स होती हैं आपकी, ठीक है। तो पहली लेयर है फिजिकल लेयर, डेटा लिंक नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये लेयर क्या है, ये आपकी लेयर्स हैं, सबको दिख रही है लेयर्स, ठीक है। तो ये सारी लेयर्स रहती हैं, आपको ये पढ़नी है। तो लेयर सेवन एप्लीकेशन, तो इसको याद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, ठीक है। ऑल पीपल सीम टू नीड डेटा प्रोसेसिंग, नहीं तो सिंपल लैंग्वेज में PDNTSPA। तो ऐसे आप याद याद जैसे मर्जी कर लेना, बहुत सारी हैं, पता नहीं क्या क्या है। प्लीज डू नॉट ट्रस्ट सेल्स पर्सन एनी वे, बहुत सारी मिल जाएंगी आपको। तो अभी हमें ओएसआई मॉडल पढ़ना क्यों है, पहले तो ये समझो। तो ओएसआई मॉडल जो होता है आपका, वो क्या है, अगर विकिपीडिया का अगर आप पेज पढ़ो, तो ओएसआई मॉडल क्या बोलता है, ये एक फाउंडेशन मॉडल है, कॉन्सेप्चुअल मॉडल है। मतलब इसका रियल इंडस्ट्री में कहीं भी यूज नहीं होता। अगर मैं बोलूं मैं फेसबुक ओपन करता हूं, तो ओएसआई मॉडल नहीं फेसबुक ओपन करवाता, ठीक है। तो हम ओएसआई मॉडल पढ़ क्यों रहे हैं फिर, इवन आपको मैं बताऊं सिलेबस से निकाल दिया एसएसको ने, बट हम फिर भी पढ़ रहे हैं ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे नेटवर्क काम करता है, क्योंकि ये बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। तो इसीलिए मैं करवा रहा हूं आपको। तो ओएसआई मॉडल क्या करता है, ओएसआई मॉडल जो होता है, ठीक है, तो ये सिर्फ एक रेफरेंस मॉडल है। ये नेटवर्किंग समझने के लिए हम यूज करते हैं कि कैसे हमारा डेटा जाता है। यानी अगर एक मेरा कंप्यूटर है ये, ठीक है, और मैं कहाँ जा रहा हूँ, मान लो गूगल की मशीन पे जा रहा हूँ, तो मैं अपने कंप्यूटर से कहाँ पे जा रहा हूँ, गूगल की मशीन पे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ कि मुझे गूगल का पेज चाहिए। तो वो कैसे वो सारा कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है, वो सब चीजें यहाँ पे, ठीक है। तो अभी ध्यान से सुनना। तो अभी सारी लेयर्स क्या है, सारी लेयर्स का ना सबके, ये समझो सात लोग हैं जो एक कंपनी में काम करते हैं, सबका अपना अपना काम है। तो पहले काम इसका होगा, फिर जब इसके पास जाएगा पार्सल, फिर इसके पास, तो सारे अपना अपना काम करेंगे, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर में क्या होता है, तो एप्लीकेशन लेयर में होता है जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सारे आपके इंटरेक्ट करते हैं इस लेयर पे, ठीक है। सो अभी मैं यहां पे लिखूंगा द सॉफ्टवेयर्स विच इंटरेक्ट वन ह्यूमन टू अनदर ह्यूमन, ठीक है। तो जिसको दिख रहा है मेरे ख्याल से, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा अभी टेक्स्ट, पहले लिख लूं द सॉफ्टवेयर्स विच एक काम करते हैं, इसको ना नोटपैड पे लिखता हूं मैं, ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो। तो एप्लीकेशन लेयर जो है हमारी, वो क्या है, अगर कोई आपसे पूछ ले भाई एप्लीकेशन लेयर क्या करती है, भाई बताओ, तो एप्लीकेशन लेयर का नाम क्या, देखो मोबाइल में बोलते हैं ना मोबाइल में एप्लीकेशन से, तो एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, सॉफ्टवेयर। तो जो भी सॉफ्टवेयर एक ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन से बात कराने में हेल्प करते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में होते हैं। द सॉफ्टवेयर विच हेल्प्स ह्यूमन टू इंटरेक्ट विद ईच अदर, वो सारे एप्लीकेशन लेयर में आते हैं। जैसे अच्छा एक बार बताओ, फेसबुक चलाने के लिए आप कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करते हो, वेब ब्राउजर है ना, गूगल क्रोम जो होता है, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये सारे किसके किसके अंदर आते हैं, ये सभी वेब ब्राउजर होते हैं। ऐसे ही आपके चैट सॉफ्टवेयर्स, जैसे आप जो भी यूज करते हो व्हाट्सएप, जीमेल का चैट या फेसबुक का चैट, ये सारे जो चैटिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं, ये भी किसमें अंदर आते हैं, एप्लीकेशन में, ठीक है। तो जितने भी सॉफ्टवेयर्स रहते हैं, अभी ये जो जूम सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं या ये सब चीजें हैं, तो ये किसके अंदर आती हैं, एप्लीकेशन लेयर के अंदर। तो आपको वेब ब्राउजर तो एप्लीकेशन लेयर में आता ही, ऐसे बहुत सारे हमारे प्रोटोकॉल होते हैं वो भी वेब एप्लीकेशन लेयर पे काम करते हैं। तो अभी के लिए इतना ही, क्योंकि अभी आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। अभी आपको सात लेयर का थोड़ा थोड़ा मैं बता रहा हूं ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एप्लीकेशन लेयर वाले का काम पूरा हो गया है ना, जैसे ही मेरे कंप्यूटर में मैंने क्या किया, गूगल क्रोम खोला, ठीक है, अभी प्लेन गूगल क्रोम खोल रहे हैं, मतलब उसमें कुछ भी नहीं होगा। जैसे ही मैंने ये गूगल क्रोम, खाली गूगल क्रोम खोला, तो मेरा काम पूरा हो गया, किसका, एप्लीकेशन लेयर वाले बंदे का काम पूरा हो गया, ठीक है। इसके बाद डेटा किसके पास गया, प्रेजेंटेशन लेयर के पास,
अब प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंटेशन जैसे कहते हैं ना कॉलेज में ऑफिस में, यार मेरी तो प्रेजेंटेशन है, तो प्रेजेंटेशन क्या होता है? पीपीटी है ना, किसी को प्रेजेंट करना, किसी को कुछ डेटा दिखाना है ना। तो प्रेजेंटेशन लेयर का काम क्या होता है? विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेट ऑफ डेटा, है ना। ये लेयर का काम होता है कि जो डेटा आपको दिखता है, आपको अभी स्क्रीन दिख रही है मेरी सभी को, देखो साइड में वैसे ही मॉडल की फोटो है, इधर पीछे इधर कुछ पेंट चल रहा है, इधर यहाँ पे कुछ ब्रश है जिससे हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या आपकी आपकी नजरों में आपको क्या दिख रहा है? फोटो भी दिख रही है ना, कलर्स भी दिख रहे हैं। तो एक्चुअल में जो आपको दिख रहा है वो डेटा है ना। वो क्या है? डेटा होता है। तो वो डेटा का फॉर्मेट क्या है? अब देखो ये इमेज है ना, तो इस लेयर पे वो चेक होता है व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ डेटा। तो इस लेयर पे चेक होता है डेटा का फॉर्मेट क्या है। जैसे आप गाने सुनते हो, ठीक है, या वीडियो देखते हो, तो वो क्या है? वीडियो है। जैसे गाने सुन रहे हो तो वो ऑडियो है, अगर कोई फोटो देख रहे हो तो वो इमेज है। तो इनके फॉर्मेट भी होते हैं, है ना। जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो कौन सा फॉर्मेट है? MP4 है या फिर AVI है। अगर आप गाने सुन रहे हो या कोई भी चीज प्ले कर रहे हो तो वो MP3 है या WAV है, विंडोज ऑडियो फॉर्मेट रहता है एक, ठीक है। तो ऐसी इमेज होता है आपका, तो इसके भी फॉर्मेट होते हैं, जैसे JPEG, PNG। तो आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलता है कि कौन सा फॉर्मेट में है ना। तो ये चीजें रहती हैं, ये जो डिसाइड करती है ये डेटा, कौन डिसाइड करती है? प्रेजेंटेशन लेयर। मैं आपको और एग्जांपल देता हूं एक चलते हुए। अब ये देखो विकिपीडिया का पेज है, अगर आप अपने ब्राउजर में जाके ये राइट क्लिक करके यहाँ पे व्यू पेज सोर्स ना क्या बताता है? कोडिंग बताता है कि ये वेबसाइट की कोडिंग क्या है। हमें कोडिंग नहीं समझनी, बट फिर भी देखो कि प्रेजेंटेशन लेयर क्या करती है, जो कोडिंग। अब ये तो कोड है ना, कंप्यूटर ने क्या भेजा? एक विकिपीडिया ने हमारे कंप्यूटर पे कोड भेजा और हमारा कंप्यूटर उसको पेज में ऐसा दिखा रहा है, ये कोड है। कोड हमें दिख नहीं रहा कुछ भी, बट हमें ये दिख रहा है। तो ये जो कन्वर्जन है कोडिंग का ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, मतलब कोडिंग को नॉर्मल लैंग्वेज में रिप्रेजेंट करना, इंग्लिश लैंग्वेज में, ये सारा काम कौन कर रहा है? प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है जी। तो प्रेजेंटेशन लेयर आपकी क्या करती है? पूरा विकिपीडिया पे पेज है, पूरा डिटेल में भी जा सकते हो। स्काई कोड्स रहते हैं आपके, जैसे आप कंप्यूटर पे देखते हो जब आप टाइप करते हो ABCD, जो भी आपको यहाँ इंग्लिश दिख रही है इस टाइम स्क्रीन पर, तो वो भी कहीं ना कहीं जो डिस्प्ले होता है आपके कंप्यूटर का, कैसे वो पहुंच रही है वहां तक, तो ये काम रहता है प्रेजेंटेशन लेयर का, ठीक है। अब तुम्हें अगर और डिटेल में जाना है तो इसके अंदर क्या रहते हैं? C++ के कोड रहते हैं, स्ट्रिंग रहते हैं, बहुत सारा अंदर का XML फॉर्मेट रहता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, मतलब बहुत एडवांस में चला जाता है वो बात कि डेटा कैसे कन्वर्ट होता है आपका, ठीक है, कि 0-1 की फॉर्मेट में हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो बहुत ही डिटेल में चला जाता है बात। तो इतना ज्यादा नहीं, सिंपल रखो। प्रेजेंटेशन लेयर का काम होता है एक तरह से फॉर्मेट या डेटा ट्रांसलेटर, ठीक है। तो डेटा ट्रांसलेटर की आपको वो आपकी लैंग्वेज में डेटा दिखाएगा। अब ये जो मैं यहाँ पेंट चला रहा हूं, जब मैं इस फाइल को सेव करूंगा तो देखो सेव करने के लिए भी मेरे को 5-6 ऑप्शन दे रहा है, भी कौन से फॉर्मेट में ये करना है, सेव करना है फाइल। तो PNG में करना है, JPG में, थोड़ा बहुत फर्क रहता है, किसी में पिक्चर क्वालिटी अच्छी मिलती है, किसी में लो मिलती है, किसी में फाइल कॉम्प्रेस रहती है, GIF में फाइल थोड़ी आपकी थोड़ा वो एनिमेटेड टाइप रहती है। तो ऐसे अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। तो दो लेयर होगी आपकी, बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर क्या करती है आपकी? जो सॉफ्टवेयर्स रहते हैं जो हमें एक ह्यूमन से दूसरे ह्यूमन को इंटरैक्ट करवाते हैं, वो एप्लीकेशन लेयर में आ जाते हैं। और जो प्रेजेंटेशन लेयर बताती है वो क्या होता है? फॉर्मेट ऑफ डेटा, ठीक है। दो लेयर समझ आ गई सभी को? अभी मैं माइक ऑन कर रहा हूं। हाँ जी, यस सर। हाँ ठीक है, क्लियर है? अभी जितना मैंने बताया उतना तो क्लियर है ना? अंदर का तो अभी बहुत डिटेल में बाद में बात कर सकते हैं। क्लियर है सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। यस ओके ओके, चलो जी आगे चलें। तो देखो अब आपको जो ये मैं लाइनें लिखवा रहा हूँ ना, आप अपनी लैंग्वेज में बोलने की भी ट्राई किया करो क्लास में, मतलब क्लास में नहीं,
जब आपका टॉपिक हो जाता है, जब नोटपैड की फाइल जैसे ये वीडियो मिल गई आपको, या आपने कॉपी पेन लेके बैठा करो, नोट्स बनाओ अपने, और नोट्स बना के ना अपने आप को बोला करो। क्योंकि पता क्या, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, वो क्या करते हैं, वैसे बहुत इंटेलिजेंट है, लिखाओगे तो वो ऐसे लिख देंगे उसे मॉडल पे, पर जब उनसे पूछो ना इंटरव्यू की तरह उनसे, जब मैं मतलब क्लास है और जब मैं आपको बोलूं कि माइक ऑन करके वैसे ही मॉडल एक्सप्लेन करो इंग्लिश में हिंदी में जैसे भी, तो वो बोल नहीं पाते ज्यादा। उसका रीजन ये है कि आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो बोलने की भी प्रैक्टिस करो। जो भी टॉपिक मैं करा रहा हूँ उसको मन में दोहराओ या फिर मिरर के आगे जाके बोल लो उसको, ठीक है, क्योंकि यही तो आपको इंटरव्यू में बोलना है ना। सो अभी हमने मिनिमाइज कर लिया अभी सारे, अभी क्या करो, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि एप्लीकेशन लेयर पूछ रहा है आपसे, मैं इंटरव्यू वाला हूँ, मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, अभी सारे माइक ऑफ है सबके, बोल लो, कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं सुन रहा आपको। सो टेल मी व्हाट इज एप्लीकेशन लेयर। देखो अभी कुछ लोग ब्लैंक हो गए कि अभी तो बताया था सर ने क्या बोलना। तो सिंपल सी बात है, जब भी आप कोई चीज पढ़े ना तो उसके कीवर्ड ध्यान में रखना। कीवर्ड क्या है, इस चीज का कीवर्ड क्या था एप्लीकेशन लेयर का, इंटरैक्ट, और प्रेजेंटेशन लेयर का कीवर्ड क्या है, फॉर्मेट। एप्लीकेशन लेयर जब भी दिमाग में आए तो याद रखना कि इंटरैक्ट करवाती है किसको, वो अपने आप दिमाग में आ जाएगा इंसानों को। एक वन ह्यूमन विद अनदर ह्यूमन को कौन कराती है एप्लीकेशन, और एग्जांपल तुम्हें याद रहेंगे, वेबसाइट खोलने वाला वेब ब्राउजर, जो भी चैटिंग वाले सॉफ्टवेयर होते हैं सब एप्लीकेशन लेयर। सो अब मैं आपसे इंटरव्यू में पूछता हूँ, व्हाट इज प्रेजेंटेशन लेयर गाइस, क्या कीवर्ड था, फॉर्मेट। सो आपका आंसर ऐसा होना चाहिए, सर प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल, इज रिस्पॉन्सिबल लगा दिया करो, एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंट्रैक्शन ऑफ, है ना, करके ऐसे इंट्रैक्शन बिटवीन ह्यूमंस करके बोल सकते हो, द सॉफ्टवेयर आर वेब ब्राउजर्स एंड ऑल। तो प्रेजेंटेशन लेयर में बोलोगे प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेट ऑफ डेटा, दैट्स इट, ठीक है। तो एग्जांपल दे सकते हो लाइक, सर इन ऑडियो वी हैव MP3 फॉर्मेट, इन वीडियो वी हैव MP4 फॉर्मेट, इन इमेजेस वी हैव JPEG एंड PNG फॉर्मेट, दैट्स इट, प्रेजेंटेशन लेयर डन, ठीक है। चलो जी आगे, याद हो गई है मुझे, पता है तुम्हें, अब बस याद रखना, अब कीवर्ड पे याद रखना, ये कीवर्ड है, हाईलाइट है, ये दिमाग में ब्लिंक करते रहो इनको, ठीक है। तो सेशन लेयर क्या करती है, अब देखो सेशन लेयर, जब अगले बंदे पे डेटा गया तो देखो हमने सॉफ्टवेयर भी सिलेक्ट कर लिया, हमें ये भी पता है कि ये बंदा फॉर्मेट दिखाएगा। अब सेशन लेयर क्या करती है, जो भी आप गूगल के साथ या फेसबुक के साथ सेशन बनाने वाले वो कितनी देर का बनेगा, तो ये लेयर क्या करती है, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन। अब सेशन क्या होता है, सेशन का मतलब होता है कि कितने टाइम का, कितने टाइम फ्रेम का, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन। तो क्रिएट, अब ये बहुत सिंपल लाइन है, क्रिएट एंड मेंटेन सेशन, अगर अगर मैं मान लो इंटरव्यू में आपने लाइन बोल दी कि सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग द सेशन, अगर आपसे कोई पूछ ले इंटरव्यू में प्लीज एक्सप्लेन मोर, देन क्या बोलोगे, तो उसके लिए आप बोलोगे सेशन इज एग्जैक्टली एट टाइम फ्रेम। तो सेशन क्या होता है, सेशन एक तरह का क्या है, टाइम फ्रेम है, और हर विंडो जो भी बनती है, जो भी वेबसाइट होता है उसका अपना टाइम फ्रेम होता है। टाइम फ्रेम क्या, मान लो आप एग्जांपल के तौर पे अगर कोई HD बैंक की वेबसाइट खोलते हो, तो बैंक की वेबसाइट अगर 5 मिनट के अंदर अंदर आप कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, लैपटॉप खोल के बैठे हो, और 5 मिनट के बाद अपने आप क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिक लॉग आउट इन 5 मिनट्स। तो बैंक वाली वेबसाइट का सेशन कितनी देर का था, 5 मिनट का। अब कुछ लोग फेसबुक खोल के बैठे रहते हैं, फेसबुक बंद ही नहीं होता, कई बार आधा आधा घंटा भी चलता रहता है ना, क्योंकि उसमें सेशन बहुत आगे का होगा, शायद आधा घंटे का होगा, क्योंकि वो एंटरटेनमेंट वेबसाइट है। तो जो बैंक की वेबसाइट है वो सिक्योरिटी है, तो इसीलिए इसमें सेशन टाइम कम रहता है ना। जो भी वेबसाइट पे सिक्योरिटी चाहिए तो उनके सेशन टाइम आउट क्या रहते हैं, कम रहते हैं। तो जो भी वेबसाइट्स बनाते हैं ना, तो वो अपनी वेबसाइट के अंदर सेशन डालते हैं, ठीक है। जैसे कोई बंदा HTTP
HTML पे वेबसाइट बना रहा है, PHP पे वेबसाइट बना रहा है, PHP क्या एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो PHP सेशन टाइम आउट करके अगर आप सर्च करो तो आपको हर हर चीज की प्रोग्रामिंग होती है, जो वेबसाइट बनती है, सॉफ्टवेयर बनते हैं, तो उनके अंदर सेशन लेयर के आप कोड डाल सकते हो। ये देखो एक कोड, तुम्हें वैसे समझ ना आया कोई बात नहीं, बट आप ये देखो एक फॉर्म है, जो भी बंदा फॉर्म लॉग इन करेगा उसको देखो टाइम आउट दिया हुआ 600 सेकंड का, यानी एक मिनट के अंदर अंदर अगर कोई बंदा कुछ भी माउस वगैरह नहीं हिला रहा है तो क्या हो जाएगा, अपने आप लॉग आउट, है ना। तो ये होता है सेशन लेयर। तो अगर कोई पूछे आपसे इंटरव्यू में भाई सेशन लेयर क्या होता है, तो सेशन लेयर इज क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन, एंड सेशन इज एक्चुअली अ टाइम फ्रेम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, है ना। तो सेशन टाइम फ्रेम बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर, क्योंकि देखो सेशन कौन बनाता है। अब जब आप वेबसाइट खोलते हो, बैंक की हो चाहे आप गूगल खोलते हो, तो गूगल भी सर्वर है, फेसबुक भी सर्वर है, बैंक की वेबसाइट भी सर्वर है, जो भी वेबसाइट आप खोलते हो वो सर्वर के अंदर है ना। तो और क्लाइंट कौन है, आपका कंप्यूटर, ठीक है। तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है व्हाट इज सेशन लेयर। तो सेशन लेयर क्या होता है, क्रिएट एंड मेंटेन द सेशन, और सेशन क्या होता है, टाइम फ्रेम होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच का, और हर टाइम फ्रेम जो होते हैं, जो प्रोग्रामर्स होते हैं, डेवलपर्स होते हैं, वो टाइम फ्रेम डालते हैं। जैसे व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप आपने सबने चलाया है, तो वेब व्हाट्सएप भी आप लोगों ने अगर चलाया है web.whatsapp.com करके, ठीक है, तो web.whatsapp का भी अगर ज्यादा देर तक कुछ करोगे तो वो अपने आप सेशन बंद हो जाता है। तो हर एक चीज का सेशन रहता है, किसी का बहुत लंबा सेशन जाता है, किसी का छोटा होता है, इट डिपेंड्स ऑन द सेशन टाइम कि कितना सेशन है उसका, ठीक है जी। तीन लेयर मुझे लगता है बहुत अच्छे से क्लियर होगी आपको, ठीक है। कोई डाउट होगा तो मैं आ रहा हूं अभी, ठीक है, डोंट वरी। आगे एक लेयर, दो दो लेयर करके माइक ऑन करूंगा ना, नहीं तो टॉपिक होगा नहीं हमारा। अब देखो ये भी तुम इतना भी बोल लोगे ना इंटरव्यू में गाइस, अगर आप इतना भी इंटरव्यू में बोल लोगे ना, तो भी चांसेस हैं कि लोगों को पता लग जाएगा भाई आपको वैसे ही मॉडल अच्छे से आता है। हालांकि ज्यादा डीप में जाओगे तो ज्यादा अच्छी कंपनीज में जॉब मिलेगी, क्योंकि कोई भी अच्छी कंपनी होती है ना, वो बेसिक इंटरव्यू बहुत स्ट्रांग लेती है। कोई भी बड़ी कंपनी में जॉब करोगे ना, सिस्को, एप्पल, गूगल, फेसबुक, ऐसी कंपनीज में कभी जाओगे तो बेसिक में ना ऐसी तैसी कर देते हैं, सीधी बात बता रहा हूँ। मतलब इतना डिटेल में जाएंगे ना आपसे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, सेशन क्या होता है, फिर टाइम फ्रेम क्या होता है, तो मतलब जितनी भी नॉलेज होगी वो चेक करते हैं कि आपने कितने डीप लेवल तक पढ़ा हुआ है, ठीक है। चलो आगे, तो ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या, देखो नाम से ही पता चल रहा है, एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन मतलब फॉर्मेट। सेशन लेयर का क्या था, सेशन लेयर का कीवर्ड क्या है, अगर बताना कीवर्ड चैट पे लिखो, देखते हैं कितने लोगों को पता चला कि कीवर्ड क्या होगा सेशन लेयर का। यस, टाइम फ्रेम, ये है हमारा कीवर्ड, ठीक है। तो कीवर्ड याद रखना ताकि वैसे ही मॉडल याद रहे, गुड गुड गुड। तो अब ट्रांसपोर्ट का लेयर का काम क्या, देखो ट्रांसपोर्ट आपको सभी को पता है, ठीक है, जो भी इंडिया में ट्रक वाले होते हैं, सब बसेस वाले, सो यहाँ पे क्या लिखा होता है, ट्रांसपोर्ट गुड एंड ऑल, ये वो राइट। तो ये क्या करते हैं ट्रांसपोर्ट वाले, ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह डेटा लेके, सामान लेके जा रहा है ना, कोई कुछ जा रहा है, कभी बाइक जा रही है, गाड़ियां जा रही हैं, ट्रक्स में कुछ मसाले जा रहे हैं, कुछ भी जा रहा है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, एंड टू मतलब डिलीवरी करता है ना। जैसे अब अमेजोन फ्लिपकार्ट से आप कुछ भी कोरियर करते हो तो ट्रक्स में, प्लेन में, कैसे भी जाता है, ट्रांसपोर्ट का काम है ना। ट्रांसपोर्ट का मतलब बचपन में पढ़ा है ना, जो चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है उसे ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो वही चीज है, एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ डेटा। अब देखो यहाँ पे सामान नहीं है, अगर नॉर्मल ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करोगे तो वहां बंदों को लेके जा रहा है, ठीक है। तो प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में लोगों का सामान जा रहा है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर है ये। लेयर का मतलब क्या होता है, ओएसए मॉडल में एंड टू एंड डिलीवरी ऑफ, क्योंकि हमारा जो भी चीज है, अब ऊपर डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेज भी हो सकता है, सभी चीजें डेटा है,
डेटा कुछ भी है, ठीक है। डेटा का मतलब क्या होता है, डी ड्राइव में फोल्डर है आपका वो भी डेटा है, मोबाइल में जो जो मटेरियल है वो भी डेटा है, तो जो भी चीज रेस्ट स्टेट में रहती है वो डेटा है, और डेटा मूविंग भी होता है एक, उसके बारे में कभी देखेंगे। तो मतलब डेटा कुछ भी हो सकता है, इमेज ऑडियो वीडियो हर चीज डेटा है ना। तो अभी तो सारे कहते हैं ना भाई जियो ने तो मुझे 2 GB डेटा दिया है, तो डेटा का मतलब क्या है, डेटा का मतलब यह है कि आप अपना जो भी बैंडविड्थ वगैरह जो भी आप इंटरनेट से एक्सेस करते हैं वो भी, मतलब वीडियो सुन रहे हो गाने सुन रहे हो वो भी डेटा है, तो कोई भी चीज डेटा है ना। तो एंड टू एंड, एंड टू एंड मतलब एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। अगर आपको एंड टू एंड समझ नहीं आ रहा तो आप यहां लिख सकते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा। सोर्स मतलब क्या होता है, जहां से बंदा निकलता है। मान लो आपने अगर अपने कंप्यूटर से गूगल खोला तो इसमें सोर्स कौन होगा, आपका कंप्यूटर, और डेस्टिनेशन कौन होगा, गूगल, है ना। बहुत सिंपल सी चीज है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ डेटा, तो इसमें कीवर्ड क्या है, तो इसमें जो हमारा है यस, तो इसमें है डिलीवरी ऑफ डेटा। वैसे तो इसका नाम ही कीवर्ड है ट्रांसपोर्ट, बट इसमें यहां पर डिलीवरी ऑफ डेटा है कि भाई कैसे हमारा डेटा जाएगा। अब देखो अगर आपको डेटा किसी किधर से पहुंचाना है, मान लो मैं आपको बोलता हूं, आप मुझे बताओ कि मान लो कि अभी मैं बैंगलोर में हूं और मुझे बैंगलोर से दिल्ली जाना है, तो मैं कैसे कैसे जा सकता हूं, बस तो मुश्किल है, पर जा सकता हूँ राइट, गाड़ी में भी जा सकता हूँ, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या, फ्लाइट और दूसरा ट्रेन, है ना। तो वैसे ही हमारे इंटरनेट पे जाने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, बट जो मेन सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा चीज जो यूज होती है वो होती है TCP एंड UDP। तो ये क्या है, समझो दो बंदे हैं जो इंटरनेट पे हमारा डेटा लेके जाते हैं, TCP और UDP, दोनों भाई भाई। तो दोनों भाइयों की फुल फॉर्म क्या है सुन लो, सो TCP की है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है। तो डेफिनेशन है ना बड़ी सिंपल रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी याद रहती तो आपको कोई डेफिनेशन से जज नहीं करता इंटरव्यू में, पर पता होना चाहिए। देखो आप अच्छा इंटरव्यू देने जा रहे हो और आपको TCP की फुल फॉर्म ही ना पता हो, बेइज्जती वाली बात है ना। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। तो TCP की फुल फॉर्म क्या है भाई, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और UDP की है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब ये दोनों में क्या है, दोनों दोनों एक जैसे ही है, मतलब थोड़ा काफी फर्क है डेफिनेटली, तो ना दोनों की अपनी अपनी खूबियां हैं। तो TCP बोलता है कि भी मैं जब भी किसी को डेटा भेजूंगा तो मैं उसका हमेशा कंफर्मेशन लूंगा कि भी डेटा मिल गया, यानी अगर मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो TCP क्या है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। तो TCP क्या है कि अगर एक कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर आपको दिख रहा है कंप्यूटर ए, और ऐसी मैं इधर कंप्यूटर बी बना रहा हूं, या हम एग्जांपल ले रहे थे गूगल और कंप्यूटर का वही ले लेते हैं। तो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये मेरा PC लैपटॉप जो भी है, और हम गूगल सर्वर पे जा रहे हैं। तो गूगल पर जब TCP से डेटा जब जाएगा, मतलब जब भी आप यहां से TCP डेटा आपका लेके जा रहा है, तो TCP जब भी डेटा लेके जाता है तो TCP उसका कंफर्मेशन लेता है कि डेटा मिल गया, यानी आप गूगल को बोलते हो कि भी डेटा मिल गया, तो गूगल आपको हमेशा रिप्लाई करता है कि हाँ जी मुझे डेटा मिल गया। जैसे फोन पे आप हेलो बोलते हैं तो सामने वाला हेलो बोलता है ना, बोलेगा ही बोलेगा, नहीं तो पता ही नहीं चलेगा, फोन रख दोगे। तो ये क्या है, TCP है। TCP हमेशा क्या करता है, एक्नॉलेजमेंट करता है। इस चीज को क्या बोलते हैं, एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट बहुत भारी सा वर्ड लग रहा है कुछ लोगों को, तो सुन लो, जब आप हेलो बोलते हो ना फोन पे, जब सामने वाला हेलो बोलता है उसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्नॉलेज करना। एक्नॉलेज मतलब होता है कंफर्म करना कि भी सामने वाला बंदा है, ठीक है। तो इसीलिए टेक्निकल लैंग्वेज में इसको बोलते हैं, मैंने आपको हेलो बोला, आपने मुझे हेलो बोला, तो उसको बोलेंगे आपने मुझे एक्नॉलेज किया। तो TCP में जब भी कोई डेटा जाता है तो TCP क्या करता है, उसमें एक्नॉलेजमेंट करता है। ये आपका सबसे बड़ा कीवर्ड है इसका, हमेशा TCP का
ट्रांसपोर्ट का कीवर्ड क्या था? डिलीवरी। टीसीपी का कीवर्ड क्या? एक्नॉलेजमेंट। हमेशा क्या करता है? एक्नॉलेजमेंट करता है। और यूडीपी क्या करता है? कभी भी डेटा जाता है, यूडीपी क्या है दूसरा भाई, क्या करता है? जब भी डेटा जाएगा तो सिर्फ जाएगा, कभी भी वापिस नहीं आएगा, कंफर्मेशन कभी भी नहीं आता यूडीपी में। तो यूडीपी में सिर्फ सेंड होता है बट आपको कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आता, नो एक्नॉलेजमेंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में ACK भी बोल सकते हैं, एक्नॉलेजमेंट को ACK भी बोल देते हैं। कहीं बुक्स में ACK लिखा हो तो उसका मतलब है एक्नॉलेजमेंट। ठीक है, तो दो ही मेन चीजें थी टीसीपी और यूडीपी की, यही कीवर्ड है। अगर और इसके बाद और भी काफी सारी चीजें हैं बट अभी मैं इतना ही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आगे हम फर्दर क्लासेस भी करेंगे, सो डोंट वरी। हाँ जी इरफान और स्वास्तिक, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ सर। हाँ जी सर, ये जो टीसीपी और यूडीपी के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, ये कौन डिसाइड करता है कि ये प्रोटोकॉल के थ्रू डेटा ट्रांसफर होगा? ये पहले से ही डिसाइडेड है ब्रो, मतलब है ना, जब कोई भी चीज बनती है ना तो पहले से उस पर टैग लग जाता है भी डेटा किससे जाएगा। जैसे आप वेबसाइट खोलते हो राइट रोज, ठीक है, तो HTTP S यूज होता है आजकल और HTTP भी यूज होता था, अभी भी यूज होता है। तो दोनों ये जो हैं, ये भी दोनों भाई कहाँ चलते हैं? ये TCP के थ्रू चलते हैं। ओके, यानी ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? TCP। यानी अगर मुझे वेबसाइट खोलनी है तो वेबसाइट किसके थ्रू जाएगी? TCP के थ्रू जाएगी, यूडीपी लेके ही नहीं जा सकता। क्योंकि वेबसाइट जब आप खोलते हो तो वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिखती है ना, और कई बार अगर जब नेट स्लो होता है तो धीरे धीरे भी खुलती है, है ना, तो ये इसी वजह से होती है क्योंकि इसके अंदर हम एक्नॉलेजमेंट करते हैं। अगर वेबसाइट ढंग से नहीं खुल रही तो दोबारा उसके पास पैकेट जाता है, बोलता है भाई जो बचा हुआ डेटा है दोबारा दे। ठीक है, तो करेंगे इसको, डोंट वरी। अभी आप जो मैं करवा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ठीक है। आपने वैसे मॉडल नहीं पढ़ा होगा ऐसा नहीं तो कहीं, ठीक है, डोंट वरी। आप यहाँ पे मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ, बस सुनने पे ध्यान दो, आगे क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। अभी तो 3-4 दिन चलेगा वैसे ही मॉडल, एक क्लास में नहीं कराते हम खत्म, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। पर ये पूरी लाइफ याद रखना आपको, क्योंकि कहीं भी जाओगे मैं आपको बता रहा हूँ, चाहे आप 2 लाख के पैकेज पे हैं, चाहे 5 लाख के पैकेज पे हैं, चाहे 10 के पे हैं, चाहे 15 लाख के पैकेज पे हो जाएंगे, एनुअली बोल रहा हूँ, ठीक है, तब भी आपसे कुछ ना कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छी से अच्छी जॉब में भी पूछ लिया जाता है टीसीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, यूडीपी से रिलेटेड क्वेश्चन, मैं आपको बोल रहा हूँ। तो इन चीजों को बहुत ध्यान से पढ़ना और इतना अच्छा पढ़ना कि कभी लाइफ में ऐसा ना हो कि 5 साल के बाद भी आपको ऐसे ही मॉडल पढ़ना पड़ रहा है, समझ रहे हो? समझ गए, मुझे पता है, चलो ठीक है। तो ये था टीसीपी का जो हमारा कीवर्ड था, ये क्या करता है? एक्नॉलेज करता है। और जो यूडीपी होता है अभी, ये क्या करता है? एक्नॉलेज नहीं करता है। तो एक चीज और मैं बोलना चाहता हूँ, अच्छा एक बात बताओ, रिलायबल मतलब तुम्हें पता है क्या होता है? रिलायबल मतलब होता है कि ट्रस्टवर्दी कौन है। तो आप खुद बताओ कि इन दोनों में से ट्रस्टवर्दी ज्यादा कौन होगा, ऊपर वाला नीचे वाला? ओके, व्हाट इज द हाँ, तो अभी देखिए, तो रिलायबल जो होगा हमारा वो कौन है? टीसीपी है। तो यहां पर हम लिखेंगे ये है रिलायबल और ये क्या है? नॉट रिलायबल। मतलब यार ये टाइम, मतलब इतना ज्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं है, हो सकता है हमारा डेटा लेके जाएगा, लॉस हो जाएगा। तो इसमें डेटा लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं और इसमें चांसेस ज्यादा होते हैं। तो यहाँ डेटा आपका लॉस नहीं होता, अगर होगा तो रीट्रांसमिट होता है, यानी दोबारा भेजा जाता है, ठीक है। अभी मैं दो दो वर्ड ही सिखा रहा हूँ, रिलायबल मतलब ट्रस्टवर्दी है और ये ट्रस्टवर्दी नहीं है बिकॉज ये आपको कन्फर्मेशन नहीं देता। मैं हमेशा एक एग्जाम्पल यूज करता था, अगर आपको एग्जाम्पल वो समझ आए तो समझ लो। तो टीसीपी का मतलब क्या है कि यार टीसीपी वो है कि आपके घर पे लेटर कोई फेंक के चला गया, है ना, मतलब सॉरी उल्टा बोल गया, टीसीपी वो है कि आपके घर कोरियर दिया और कोरियर वाले ने साइन लिया आपसे कि कोरियर रिसीव हो गया, आपसे साइन लेके जाएगा, वेबसाइट में अपडेट करेगा, आपको लिखा आएगा, SMS भी आएगा कि वी हैव डिलीवर्ड योर प्रोडक्ट, ताकि आपको इससे ये भी पता चले कि सही बंदे को डिलीवर हुआ नहीं हुआ, है ना। पर यूडीपी में क्या है, टीसीपी क्या एक तरह से कोरियर कंपनी की तरह होता है,
ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, कभी इंटरव्यू में मत बोलना ये चीजें, ठीक है? ये मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि टीसीपी क्या है, कोरियर की तरह आप डेटा भेजते हो और आपको रिप्लाई आता है, और यूडीपी क्या है, एक तरह से कोई भी सामान फेंकने वाला, मतलब कुछ भी, मतलब एक लेटर आपके घर फेंक गया और पता ही नहीं है कि पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या अब तक आपका डॉगी खा गया उसको, कुछ भी समझ लो, तो इसमें कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिलती। अब इसमें बताओ आपको कोरियर मिलता ही मिलता, अगर नहीं मिलता तो आप कंप्लेंट कर सकते हो बहुत सारी चीजें, और यहाँ आप इंडिया पोस्ट वाला आपके घर आया, कोई फेंक गया लेटर और आपका यहाँ पे हवा से उड़ के कहीं पे भी चला गया, तो आप किसी को बोल सकते हो यहाँ पे? नहीं बोल सकते। तो इंडिया पोस्ट इसलिए कोरियर पे आ गई है वो भी, ठीक है? हाँ, तो मैं एक एग्जांपल कोरियर वाला ये मैं बताना चाह रहा था, ठीक है? तो आई होप आपको एग्जांपल समझ आया होगा, ठीक है? तो कोरियर कंपनी हो गया, और दूसरा इंडिया पोस्ट वाला समझ लो, न्यूज़पेपर वाला समझ लो। मैं यूडीपी क्या, एक तरह से न्यूज़पेपर वाला है, आपके घर न्यूज़पेपर फेंक के गया, आपको मिला ना मिला वो आपकी सरदर्दी है। हम तो छे भाई एक अपने पूरे मंथली पैसे लेंगे ही लेंगे, चाहे हमारा न्यूज़पेपर वाला आए या ना आए। होता है ना कई बार छुट्टी पे होते हैं, अखबार नहीं आते हैं, घर वाले लड़ रहे होते हैं, पता नहीं अखबार नहीं दे के गया आज। राइट ओके। सो अभी किसी का डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है। अभी तक तीन चार लेयरों में अभी तक मजा आया नहीं आया, बताओ समझ आ रहा है सर? सर आज के डेट में यूडीपी कहाँ पे यूज होता है? भाई जितनी भी वीडियो बताऊंगा, वीडियो स्ट्रीमिंग जो होती है ना, कि वहां हमें, क्योंकि ना टीसीपी से ज्यादा यूडीपी फास्ट है ना, क्योंकि एक्नॉलेज नहीं कर रहा है, टाइम सेव हो रहा है ना इसका। सर तो यूट्यूब एक प्रकार का यूडीपी है क्या? हाँ यूट्यूब, अभी देखो ना, अभी मैं आपको वायरशार्क चला के दिखाऊंगा। तो वायरशार्क अभी हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं? जूम मीटिंग्स। यस सर। तो जूम मीटिंग्स जो है, स्क्रीन शेयर करके मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी देखो जितने भी वायरशार्क में पैकेट दिख रहे हैं, देखो प्रोटोकॉल कौन सा दिख रहा है उसमें? यूडीपी दिख रहा है। और मैंने कितनी देर, अच्छा मैंने कैप्चर बंद कर दिया, देखो एक 5-10 सेकंड के अंदर अंदर 3000 पैकेट हो गए है ना। तो ये सारे पैकेट दिख रहे हैं आपको, ये जो मैंने कुछ बोला होगा ना अभी, या स्क्रीन दिख रही है वो है ये सर। लेकिन सर हम लोग तो ये यूज कर रहे हैं ना, आप, मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हो सर, तो हम दोनों तो इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो ये इसमें आ गया ना, क्या बोलते हैं, टीसीपी में? नहीं 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 नहीं, जो आवाज होती है, ऑडियो वीडियो ये सब जितनी भी जो भी रियल टाइम एप्लीकेशन है ना, रियल टाइम एप्लीकेशन कौन सी होती है जो इंटरेक्ट करवाती है, जैसे एक्नॉलेजमेंट हम लोग ले रहे हैं ना, मैं भी बात कर रहा हूँ, आप भी बात कर रहे हैं यार, वो तो हमारी ह्यूमन की एक्नॉलेजमेंट होगी ना ब्रो, हम तो इंटरनेट की बात कर रहे हैं ना, एक्नॉलेजमेंट वो तो हम चुप रहे हैं क्लास में, फिर भी क्लास चल रही है ना जूम तो। मतलब सर इंटरनेट स्लो होता है तो बंद भी हो सकती है, एक्नॉलेज नहीं भी जा सकती है दूसरे पे। देखो टीसीपी हमेशा कहाँ यूज होगा, जब वेबसाइट्स वगैरह खोलते हो ना वहां पे ज्यादातर टीसीपी यूज होता है, यूडीपी होता है रियल टाइम एप्लीकेशन में। देखो जूम भी टीसीपी यूज करता है, कब करता है, जब आप लॉग इन करते हो ना, जब आप लॉग इन करते हो जूम के अंदर, तब अगर आपने अकाउंट बना रखा है, वो यूजर नेम पासवर्ड जब इनके सर्वर से जाके मैच होता है, तब वो टीसीपी से जाता होगा। बट जो अभी स्क्रीन शेयर है, जो ऑडियो वीडियो, वो सब क्या है, मैं आपको दिखाऊंगा वायरशार्क में, आप खुद ही चेक कर लेना, हर एप्लीकेशन का तो मुझे भी नहीं पता है, जो भी आपको पसंद है एप्लीकेशन उसको हम कैसे चेक कर सकते हैं वायरशार्क में समझा दूंगा, ठीक है सर? हाँ जी सर, जैसे कि सर हमने टीसीपी से कोई सर सेंडर से पैकेट भेजा और सर वहां पे एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, तो अगर आपने गूगल पे सर्वर, गूगल पर कोई रिक्वेस्ट भेजी टीसीपी के थ्रू और अगर आपको गूगल ने रिप्लाई नहीं किया, तो इसका मतलब आपका कंप्यूटर दोबारा उसको रिक्वेस्ट भेजेगा, रीट्रांसमिट भी करता है सर टीसीपी। हाँ जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगी तब तक ट्रांसमिट करता रहेगा, रीट्रांसमिट करता रहता है, मतलब समझ रहे हो? यस सर। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन बढ़िया है, जब आपका सब कुछ बढ़िया चल रहा है और गूगल खुल नहीं रहा है, मतलब क्या है, या तो आपके कंप्यूटर नेटवर्क में दिक्कत होगी। हेलो, रिसीव नहीं हो पा रहा है सर, पैकेट डिस्ट्रॉय भी तो हो जाते हैं बीच में।
जी हो जाते हैं, फिर दोबारा रिट्रांसमिट हो जाते हैं, नहीं तो है ना, तो रिट्रांसमिट होता रहता है जब तक टीसीपी तब तक रिट्रांसमिट करता है जब तक उसको क्या नहीं मिलती, कंफर्मेशन यानी एक्नॉलेजमेंट। क्लियर? यस सर, क्लियर। हेलो सर। हाँ जी, हाँ आपने बोला ट्रांसपोर्टेशन का काम यूजर नेम पासवर्ड हो तो सेशन लेयर का है ना यार, सारी चीजें ना देखो, जब टीसीपी लॉगिन करेगा जो रिक्वेस्ट जाएगी वो टीसीपी लेके जा रहा है, जो सेशन बना रहा है, जब सेशन बन जाएगा जितनी देर की क्लास चल रही है वो सेशन है, तो सारे मिलजुल के काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, सारी लेयर्स एक साथ काम करती हैं। देखो तुम अभी मैं माइक ऑफ कर रहा हूँ एक सेकंड थोड़ी देर के लिए। देखो कंफ्यूजन पता है कब होती है, जब है ना हम ये सोचने लग जाते हैं इस लेयर का काम तो ये है जी, ये काम तो इसका क्यों है, एक्चुअल में ये ना इससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही क्लास में बता दिया कि ये वाला जो वैसे ही मॉडल है रियल इंडस्ट्री में यूज ही नहीं हो रहा है, बिकॉज ये कौन सा मॉडल है, रेफरेंस है, मतलब इसको हम सिर्फ पढ़ने के लिए यूज कर रहे हैं, जो रियल में यूज होता है वो होता है टीसीपी आईपी। जब आप वैसे ही मॉडल की लेयर समझ जाओगे, मैं आपको टीसीपी आईपी समझाऊंगा, तब आप रियल कॉन्सेप्ट जोड़ पाओगे अपने। तो अभी रियल कॉन्सेप्ट मत जोड़ो, अभी सिर्फ लेयर्स पढ़ो, क्योंकि इंटरव्यू में आपसे लेयर्स के बारे में पूछा जाएगा, रियल कॉन्सेप्ट हम जोड़ेंगे टीसीपी आईपी में, ठीक है, कि कंप्यूटर कैसे चल रहा है, वो चल रहा है, ये चल रहा है, ये सब क्वेश्चंस आप होल्ड ऑन करो अभी, क्योंकि मेरा फोकस ये है कि आप लोग इंटरव्यूज अच्छे क्रैक करो, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली गोल सबका यही है कि इंटरव्यू अच्छे हो, जॉब लग जाए अच्छी, राइट। हमें क्या मिल रहा है वो सेम मॉडल के अंदर जाके जब तक हमें इंटरव्यूज क्रैक नहीं हो रहे, राइट। तो मैं उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपके इंटरव्यूज क्रैक हो, जब आप जॉब अप्लाई करें, जॉब के पास वहां जाएंगे, आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तब आप बिल्कुल रेडी होंगे इंटरव्यूज देने के लिए। ओके, सो जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी, चार लेयर के जो कीवर्ड बोले हैं, मैं कीवर्ड इसलिए बता रहा हूँ यहाँ एक्नॉलेजमेंट नो एक्नॉलेजमेंट, ताकि आप जब कभी भी इंटरव्यू दें, हो सकता है आपने चार दिन पढ़ाई नहीं करी और इंटरव्यू आ गया फोन पे एकदम, कम से कम कीवर्ड तो याद रखोगे ना कुछ बोल लोगे, क्योंकि हमेशा बुक लेके तो नहीं घूम सकते ना हम सारे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, करेंगे आगे डिस्कस, डोंट वरी, तुम्हारे पूरा माइक एक अगली एक दो क्लास के बाद पूरा माइक खोल दूंगा, जो मर्जी पूछते रहना, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, तो इसके बाद जो टॉपिक है वो है हमारा मतलब आगे का जो फर्दर लेयर है वो क्या है, नेटवर्क लेयर। अब ये क्या करती है भैया, अब देखो यहां से यहां तक डेटा लेके जा रहा है, अब ये क्या करती है, रिस्पॉन्सिबल फॉर, जब अच्छा एक बात बताओ, जब मैं आपको कोरियर करूंगा तो मुझे आपके घर का एड्रेस चाहिए, या आप मुझे कोरियर कर रहे हो मान लो काजू की बर्फी का डब्बा, ठीक है, जॉब लगी आपकी, तो आप क्या करोगे, मेरा एड्रेस चाहिए आपको, राइट। तो नेटवर्क लेयर क्या करती है, ये लगाती है एड्रेस, तो इट इज रिस्पॉन्सिबल टू एड, यहां लिख सकते हो, नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। तो इसमें कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, कीवर्ड क्या है, जल्दी बोलो क्या लग रहा है इधर, एड्रेस, एड्रेस नहीं आईपी एड्रेस, राइट, क्योंकि हम नेटवर्किंग पढ़ रहे हैं ना अभी, घर का एड्रेस नहीं, एड्रेस की जगह आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर जब भी आपके दिमाग में घुसेगा तो इसका मतलब है आईपी एड्रेस। तो नेटवर्क लेयर का काम क्या रहता है, आईपी एड्रेस लगाना। तो अभी छोटा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ये देखो जब हम ये पैकेट खोलते हैं तो आपको दिख रहा है, छोटी छोटी चीजें दिखा रहा हूं, अभी पूरा नहीं समझ आएगा, बस ये देखना अभी, ये जो है ना डेटा, ये काम किसका था, एप्लीकेशन लेयर का, प्रेजेंटेशन और सेशन का, ये तीनों का ये था डेटा। जो ट्रांसपोर्ट लेयर ने करा ये वाला, देखो इसमें यूडीपी लग के जा रहा है, ये काम किसने किया था, ट्रांसपोर्ट लेयर ने, दिख रहा है। और ऊपर अब क्या आईपी वर्जन 4, और यहां पर क्या लग रहा है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, कहां से कहां जा रहा है, ये सोर्स है, ये यहां है, तो ये किसने लगाया, नेटवर्क लेयर ने, दिख रहा है। डेटा आपका तीनों लेयर, ऊपर की जो तीनों लेयर थी ना, एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन, इन तीनों लेयर पे डेटा डेटा ही होता है, दिख रहा है डेटा। मैं गंदी राइटिंग में हूं, थोड़ा सा और अच्छी कर देता हूं लो, ये जो डेटा की फील्ड आपको दिख रही है, ये पहली तीन लेयर्स की थी, मतलब जो एप्लीकेशन,
प्रेजेंटेशन सेशन. ये जो यूडीपी दिख रहा है आपको, ये कौन सी लेयर का काम था? ट्रांसपोर्ट. मैं सिर्फ एक वर्ड लगा रहा हूँ, टी मतलब ट्रांसपोर्ट. और ये वाला जो है इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी, आईपी जो दिख रहा है आपको, ये किसका है? नेटवर्क का. तो ये ट्रांसपोर्ट का था, ये नेटवर्क का था, और ये सब आपको पता ही, एप्लीकेशन हो गया, ये प्रेजेंटेशन हो गया, ये सेशन हो गया. क्लियर हो गया? अब नेटवर्क के ऊपर भी एक चीज दिख रहा है, ये जो चीज दिख रही है ना, ये जो एबीसी दिख रही है बीच में, ये क्या है? मैक एड्रेस है. ये जो मैक एड्रेस लगाता है वो कौन सी लेयर लगाएगी? डेटा लिंक लेयर. नेटवर्क और डेटा में सिर्फ ये फर्क है, नेटवर्क एड्रेस कौन सा लगाती है? आईपी एड्रेस. और डेटा लिंक लगाती है मैक एड्रेस. तो दोनों ये आईपी और मैक लगाते हैं. तो यहां पर सेम चीज को कॉपी करेंगे, डेटा लिंक बना देंगे इसको. डेटा लिंक लेयर है, ठीक है? नाम क्या है? डेटा लिंक लेयर. अब यहां इज रिस्पॉन्सिबल टू एड सोर्स एंड डेस्टिनेशन. आईपी की जगह क्या लग गया? मैक एड्रेस. दैट्स इट. इन दोनों का काम क्या है? ये वो बंदे हैं जो एड्रेस का काम करेंगे. समझ रहे हो कि किधर भेजना है भैया? यहां पे आप एक तरह से सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, यहां से आपने इधर आपने सामान पैक किया, ठीक है? यहां पर आपने सोचा भी सामान में क्या क्या जा रहा है, ठीक है? ऑडियो जा रहा है, वीडियो जा रहा है, फोटो जा रही है, क्या क्या भेज रहे हो सामान? सेशन लेयर में भेज रहे हैं कि भाई कितनी देर के अंदर अंदर सामान पहुंचाना है, कितना टाइम विंडो रहेगी, एक दिन के अंदर अंदर सामान पहुंचाना है. ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है? आप ये सोच रहे हो कि भी टीसीपी मतलब रिलायबल से डेटा भेजना चाह रहे हो या यूडीपी से भेजना चाह रहे हो. समझ रहे हो? ये वाला डेटा इधर वाली इस चीज को यूज करोगे तो आपको अच्छा ट्रस्टवर्दी फैक्टर मिलेगा, बट इसमें आपको ट्रस्टवर्दीनेस नहीं है. इसके बाद जाना कहाँ है? अब आपने ये भी डिसाइड कर लिया कौन सा ट्रक जा रहा है, क्या जा रहा है, कितना टाइम में जा रहा है, क्या डेटा जा रहा है. अब ये दोनों लेयरों का काम क्या है? ये पहली लेयर बता रही है कि भाई यहां से निकलना है, दिल्ली से और बैंगलोर तक जाना है. और ये लेयर क्या बता रही है कि बीच में कहां कहां स्टॉप लेने हैं, मतलब कहां रुक रुक के जाना है, कहां रुक रुक के जाना है चाय पीते हुए, ठीक है? समझ रहे हो? दोनों एड्रेस जरूरी है ना, क्योंकि अगर आपको मैं आपको बोल दूं भाई यहां से दिल्ली से बैंगलोर जाना है ट्रक वाले को, अब मैं बोलूंगा रुकना नहीं है, बीच में रुकना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि टायर्ड हो जाएगा. तो डेटा लिंक लेयर भी क्या करती है? बीच में रुक रुक के जाती है, क्योंकि बीच में कौन है? राउटर. ये राउटर हमारे क्या स्टॉपेज है, तो यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज होते हैं पूरे रास्ते में इंटरनेट के. यहाँ पे मैक एड्रेस चेंज होते रहेंगे, इधर का इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, राउटर से राउटर, राउटर से राउटर, राउटर से होते हुए ऐसे आप गूगल तक पहुंचोगे, ठीक है? तो यहां पर क्या लगता है? डेस्टिनेशन मैक एड्रेस. डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है? जो गोल है आपका कि आपने कहां से कहां तक जाना है. और ये क्या आपके स्टॉप हैं, जहां रुक 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 के जाओगे आप. समझ रहे हो? तो ये दोनों एड्रेस काम आते हैं और बहुत जरूरी होते हैं नेटवर्क के लिए, ठीक है? चलो जी आगे जी. अब देखो आगे हम रोड पे हो लेते हैं. हमारा सारा काम पूरा हो गया, अब हमने ट्रक भी तैयार कर लिया, अपना अपना एड्रेस भी लग गया भाई, दिल्ली से बैंगलोर जाना है, सब कुछ हो गया है. अब हम क्या कर रहे हैं? तो फिजिकल लेयर है. फिजिकल लेयर क्या करती है? ये कन्वर्ट करती है. अब देखो हमारा ट्रक क्या है, सड़क पे चलेगा, है ना, पेट्रोल डालेंगे, डीजल डालेंगे, जो भी डालेंगे. तो हमारा नेटवर्क में कैसे चलता है ना? जैसे मैं ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ ट्रक्स की, तो वो रोड्स पे चलते हैं. ट्रेन जैसे आपके रेलवे ट्रैक पे चलती है, वैसी जो आपका नेटवर्क है वो कहाँ चलता है? केबल्स में, कनेक्टर्स में. क्या चाहिए ने? केबल चाहिए. तो जितनी भी केबल्स हैं, जितने भी कनेक्टर होते हैं जो कंप्यूटर में लगते हैं, ये सब चीजें, ठीक है, जो सिग्नल्स होते हैं आपके, ये सब किसके अंदर आ जाते हैं? फिजिकल लेयर में, ठीक है? तो यहाँ पे फिजिकल लेयर में क्या होते हैं? केबल्स, कनेक्टर, सिग्नल्स, ये सब चीजें रहती हैं. तो ये फिजिकल लेयर का काम है. तो बेसिकली ये जो जितना सारा 01 की फॉर्म में जो दिख रहा है, ये किसके थ्रू जाएगा? केबल्स के थ्रू जाएगा. जो केबल होंगी वो सारा ये 01 01 लेके जाएंगी, ठीक है? तो ये ऐसे आपका डेटा निकल पड़ता है. अब कंप्यूटर से डेटा क्या हो चुका है? बाहर निकल चुका है. अभी ये सारे स्टेप में कंप्यूटर से डेटा बाहर निकला है, अभी गूगल पे नहीं पहुंचा, ठीक है? तो इसको आगे हम फर्दर डिस्कस करेंगे. तो अभी कुछ डाउट है किसी के तो आप पूछ सकते हो. हाँ जी,
नींद आ रही होगी कुछ लोगों को फिर सर। तो मतलब नेटवर्क लेयर में राउटर काम करता है और सेशन अभी मैंने ये बताया ही नहीं है, आगे तो पीछे छोड़ नहीं चलेगा यहाँ पे। सर मैं बोल रहा हूँ सर, यहाँ पे नहीं हम आप लोग हेलो मैक एड्रेस और एक आईपी एड्रेस यूज करते हैं सर कंप्यूटर के अंदर, मतलब डेटा ट्रांसमिशन के लिए सर। हम लोग मैक एड्रेस ही निकाल लेते, आईपी भी तो काम करेगा सर वही चीज। भाई नहीं देखो आपको मैंने बताया था ना अभी अभी आपको लेयर्स में इसलिए बता रहा हूँ सो देट आप इंटरव्यूज में कुछ बोल पाए राइट। हेलो अभी जब रियल टाइम हम टीसीपी आईपी करेंगे तो ये टीसीपी आईपी इज ए प्रोटोकॉल, सुना है ना सबने, बुक में कहीं ना कहीं लिखा यस होता है। सर टीसीपी आईपी क्या होता है? प्रोटोकॉल होता यस सर है। प्रोटोकॉल मतलब क्या रूल्स होते हैं? रूल्स। सर प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है? रूल्स। तो जब टीसीपी आईपी के रूल्स बना दिए हैं कि भाई मैक भी चाहिए आईपी भी चाहिए, तो आप उन रूल्स को चेंज नहीं कर सकते, समझ गए? तो आपको आईपी भी चाहिए ताकि गोल सेट हो कहां से कहां जाना, और आपको मैक भी चाहिए बिकॉज आपको स्टॉप भी लेने हैं रास्ते में, समझ गए? सर मतलब मैक एकदम प्रॉपर एड्रेस होता है। हाँ मैक एड्रेस पूरा यूज होता है आपके राउटर तक, फिर राउटर अपना लगा के दूसरे राउटर को भेजेगा, फिर दूसरा राउटर तीसरे राउटर को अपना मैक लगा के भेजेगा, ऐसे तो लॉजिकल एड्रेस होता है ना। सर हाँ मैंने ये सुना है सर कि जो आईपी होता है सर हर 15 मिनट पे चेंज होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं, गलत जगह सुना है भाई तुमने। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ जी वो डीएससीपी में होता है 8 दिन का, पर 15 मिनट नहीं होता ना, 36 घंटे होते हैं, 24 घंटे लीज टाइम होता है, 24-36 घंटे। तो मेरा एक क्वेश्चन है, टीसीपी और यूडीपी मतलब कैसे ट्रांसपोर्ट लेयर कैसे डिसाइड करती है टीसीपी से भेजना है डाटा या यूडीपी से? ब्रो ये पहले भी किसी ने क्वेश्चन पूछा था, जो आपने प्री डिफाइंड है चीजें, समझ रहे हो यार? माइक ऑफ हेलो। रखिए, देखो सभी ना माइक ऑफ रख करने की आदत डालो पहले, देखो माइक ऑफ करो, जिसने पूछा है उसको बोलने दो ना, जब कोई बोल रहा है फिर आपको भी नहीं मजा आएगा ऐसे क्लास में, ठीक है? देखो टीसीपी यूडीपी में के को कैसे पता चलता है कि टीसीपी यूज होगा यूडीपी, तो बहुत सारे प्रोटोकॉल हैं, आधे प्रोटोकॉल टीसीपी पे चलते हैं और आधे यूडीपी पे। जैसे वेबसाइट खोलने वाला एचटीटीपी प्रोटोकॉल है किस पे चलता है? टीसीपी पे। फाइल प्रोटोकॉल, एक फाइल भेजने का प्रोटोकॉल होता है, ये भी किस पे चलता है? टीसीपी पे। ऐसी आई एक प्रोटोकॉल यूज होता है जिससे कंप्यूटर को अपने आप आईपी मिल जाती है राउटर से, डीएचसीपी, तो ये चलता है यूडीपी पे। जी तो ये हम डिस्कस करेंगे, एप्लीकेशन लेयर का तो ओवरव्यू दिया है, ऐसे कल का पूरा दिन एप्लीकेशन लेयर पे लगाना है। अगर पूरा दिन नहीं तो कम से कम ट्राई करेंगे 2 लेयर हो जाए हमारी, फिर तीसरा दिन सेशन लेयर पे, फिर चौथा दिन 2 दिन लगेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर में, समझ रहे हो कितनी बड़ी लेयर्स होती हैं। तो नेटवर्क ओके लेयर फिर डेटा लिंक, मतलब ये 4-5 दिन का सिलेबस है जो मैं आपको ओवरव्यू दिया आज, समझ गए? थोड़े ओके सर ओके सर। बोर रहोगे पर ट्राई करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। अगर सर वो आपको लगता है टीसीपी, हाँ हेलो जी सर, ये टीसीपी और यूडीपी में जो कम्युनिकेशन होगा, मतलब अगर मैं डाटा सपोज दैट मैं डाटा रिसीव कर रहा हूँ और ये यूडीपी प्रोटोकॉल, तो जो फास्ट रेस्पॉन्स होगा टीसीपी का होगा यूडीपी का होगा? दोबारा पूछो, सॉरी मैं ध्यान कहीं था। और सर टीसीपी में क्या है, एक्नॉलेजमेंट आ रही है, अगर हम जा रहा है तो वो उसको एक्नॉलेजमेंट भी भेज रहा है कि रिसीव हो गया, और यूडीपी में ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर मैं अगर रेस्पॉन्स की बात करूँ, जो रेस्पॉन्स आएगा फास्ट रेस्पॉन्स जो होगा वो टीसीपी का होगा या यूडीपी का होगा? यूडीपी का होगा ना, क्योंकि उसमें वो टाइम वेस्ट नहीं कर रहा है एक्नॉलेजमेंट करने के लिए, ओके ठीक है? गॉट इट क्योंकि सर। तभी तो हमारी जो वीडियो स्ट्रीमिंग, जो भी हम क्लास ले रहे हैं, ये सब यूडीपी पे है, क्योंकि अगर ओके टीसीपी पे होता कुछ भी लॉस होता दोबारा दोबारा भेजने लग जाता। हाँ जी अगर एक बात समझो, अभी हम जो बात कर रहे हैं ये यूडीपी से हो रही है, समझ रहे हो? राइट हो रही है यूडीपी से क्योंकि मैंने जो बोला, और मान लो कुछ तुम्हें नहीं भी सुना तो ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, दोबारा आप खुद ही कह दोगे ना सर दोबारा बोलना एक बार, यस सर यही होगा। बट अगर जी ऑडियो हमारा टीसीपी पे चलता तो क्या होता, मान लो मैंने हेलो बोला और हेलो पैकेट ड्रॉप हो गया और वो आपको थोड़ी देर बाद सुनता, मैंने बोला हेलो हाउ आर यू और आपको पहले सुना हाउ आर यू और हेलो बाद में सुन रहा है, तो ऐसे चाहते हैं आप कभी? गॉट इट सर गॉट इट। समझ रहे हो? तो यूडीपी पर ऑडियो चलता है क्योंकि लॉस हो गया तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इधर रियल टाइम एप्लीकेशन चलती है, अगर कुछ दिक्कत आएगी तो बंदा मैनुअली कर लेगा, राइट समझ रहे हो? जी हम्म, थैंक यू। चलो जी कल मिलते हैं, गुड नाइट।
हेलो। देखो ज्यादा